अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसार अली और इस वक्त मैं इस वीडियो में आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम जो है अपने पीसी से जो है वो और हार्ड डिस्क जो हमारी है उससे हम किस तरह अपना वॉल्यूम श्रिंक कर सकते हैं जी। और वॉल्यूम श्रिंक करने का मतलब होता है कि मिसाल तौर पर मैंने दो पार्टीशन विंडोज़ के टाइम पर क्रिएट किए हैं, सी और डी। आमतौर पर यूजली हम लोग इसी तरह करते हैं। और जैसे सी को मैंने कर दिया 50 GB का स्पेस, और अगर मेरे पास 500 GB हार्ड डिस्क है तो बाकी जो स्पेस है वो मैंने डी को दिया, डी ड्राइव को। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और नया जो है वो पार्टीशन बनाऊँ किसी और पर्पज़ के लिए। वो कोई भी पर्पज़ हो सकता है, कोई नया जो है वो पार्टीशन मतलब इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर हम कोई गाने वगैरह, गेम्स या कोई और फाइल्स वो अलग ही बिल्कुल यूज़ करना चाह रहे हो, तो इसके लिए हम कोई नया पार्टीशन बनाना चाह रहे होते हैं। तो जी उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे अपने माय कंप्यूटर पे जाना है, दिस पीसी एंड विंडोज 10। ओके, सो यहाँ पे अपने इसके आप राइट की को आपने प्रेस करके यहाँ पर आपने जाना है इसके मैनेज के अंदर। ओके, मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, और उसके बाद जो आपने सीधे यहाँ जाना है स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट के। ठीक है, तो डिस्क मैनेजमेंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जैसे मेरे पास लोकल डिस्क सी था, तो मैंने इसमें से जो है वो कुछ ऑलरेडी जो है वो श्रिंक किया हुआ है वॉल्यूम, तो मैं मजीद जो है लोकल डिस्क सी को नहीं करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे न्यू वॉल्यूम जी जो है मेरे पास उसको मैंने, क्योंकि वो 100 MB का जो है स्पेस दिया हुआ है, उसको मैं श्रिंक करूँगा जस्ट आपके आपको समझ में आ जाए। आप चाहे लोकल डिस्क सी हो या ई हो या कोई भी हो, आप उसको जो है वो आराम से श्रिंक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको श्रिंक करने के लिए जी क्या करना पड़ेगा, सी ई जिसको भी आप श्रिंक करना चाह रहे हो, जिसमें से भी स्पेस लेकर नया पार्टीशन बनाना चाह रहे हो, उसको आप न्यू प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद, राइट प्रेस करने के बाद इसको जो है वो श्रिंक वॉल्यूम का यहाँ ऑप्शन है, उसको यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो है ना इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB। अब MB की सूरत में जो है वो आपने यहाँ पर अमाउंट लिखना है। 99 MB है, तो ये तो जस्ट एग्जांपल पर्पज़ के लिए। मिसाल तौर जी मुझे जो है 50 MB का जो है वो न्यू पार्टीशन जो मैं यहाँ पर शायद नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो है वो लिमिटेशन ही कम है। तो यहाँ पर जी मैं अच्छा साइज अवेलेबल श्रिंक स्पेस इन MB, तो श्रिंक स्पेस होने के लिए भी कुछ लिमिटेड जो है वो चीज़ जो है वो स्पेस होता है। तो इधर मैं जो है वो 16 यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर 16 ही हो सकता है, तो इसको 16 मैंने यहाँ प्रेस करके यहाँ पे मैंने श्रिंक कर देना है इसको। अच्छा, श्रिंक करने के बाद मैं देखूँ यहाँ पे ये जो है अनलोकेटेड जो है वो फाइल आ गई है 17 MB के नाम से। ओके, तो इसको जो है मैंने दोबारा राइट प्रेस करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम के साथ मैंने इसको जो है वो प्रेस करना है। यहाँ पर देखा क्योंकि वेलकम टू द न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड, इसको जी मैंने नेक्स्ट प्रेस करना है। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद जो है वो सिंपल वॉल्यूम 16 MB का हमने श्रिंक किया था, तो 16 MB ही जो है वो उससे श्रिंक हो सकता है। सिंपल जो है मतलब पार्टीशन बन सकता है 16 MB का बन सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा लेटर आपने इसमें देना है, जो भी आप देना चाहें। ओके, सो इसको नेक्स्ट प्रेस करना है आपने, और नेक्स्ट प्रेस करने के बाद ये फाइल टाइप्स हैं, NTFS हो गया, 32 हो या कुछ भी, या गूगल कर सकते हैं इसको जानने के लिए जी। फिर नेक्स्ट प्रेस आपने करना है और फिनिश, और ये जी आपका, अब आप जाके अपना माय कंप्यूटर दिस पीसी में जाके आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास सी था, अब ये वॉल्यूम डी ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास मौजूद है, जो 15.9 MB का है। ठीक है जी, कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं। और भी मजीद वीडियोज़ के लिए मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियोस को जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।